जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली फिर से एक बार मैं ज्वाइनिंग को लेकर आपका वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आते हैं। लेकिन एक खास बात और बता दूँ, जो क्वेश्चन अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा आ रहा है, एक तो जिनका ज्वाइनिंग आ गया, एक जिनका ज्वाइनिंग नहीं आया। जिनका ज्वाइनिंग आ गया उनका क्वेश्चन मेरे से हर बार ये रहता है कि सर हमारी ये डेट दी गई है, क्या हम इससे पहले ज्वाइनिंग कर सकते हैं या हमारे इसके बाद में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो मैं बोलूँ, जैसे आपको अगर 23 तारीख दी गई है तो आप 23 तारीख से पहले कभी भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, ठीक है, ये क्लियर। अब इस प्रकार का आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज ना करना, ना कहीं पे भी मैसेज, इस पर ईमेल भी मत भेजना। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको साथ में क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे से बहुत ज़्यादा लोग ये नाराज़ हो रखे हैं इस बात के लिए कि आप रिप्लाई नहीं करते। मेरे को एक छोटी सी बात बताइए कि 200 मैसेज इंस्टाग्राम पे, 50 से ज़्यादा ईमेल, ठीक है, और फेसबुक पे डेली के 50 जैसे मैसेज, क्या 300 मैसेज का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल है? और एक चीज़ और, मैं 300 का भी रिप्लाई कर दूं, अगर एक बंदे को एक रिप्लाई देता हूं ना तो वो फिर मेरे को 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ मेरे को बतानी हो ना तो कोई बात नहीं, अगर मैं किसी को एक रिप्लाई दूँ वो बोल देना थैंक यू, ओके, थैंक यू भी ना बोले, कुछ ही ना बोले, भले थैंक यू ना बोले, लेकिन उसके बाद रुक जाए, नहीं, मैं अगर एक रिप्लाई दूंगा उसके 4 क्वेश्चन और आएंगे, फिर मैं 4 का रिप्लाई दूंगा, फिर 4 आएंगे, ठीक है। मैं आपको इंस्टाग्राम के ना आपको बता सकता हूँ, मेरे का स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप बोल रहे हो ना कि रिप्लाई नहीं देते, मैंने कम से कम, ज़्यादा नहीं तो अब तक कम से कम 800 से 900 बच्चों को रिप्लाई कर चुका हूँ मैं, 800 से 900 बच्चों को। तो मेरी जगह आके देखो, अपनी ड्यूटी के साथ में भी इतने बच्चों का मतलब कोई कर रहा है यूट्यूब पर आपको इतनी रिप्लाई? अरे कोई कर रहा तो बता दीजिए, और जिनको किए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम इंस्टाग्राम पर हमको रिप्लाई मिली है, क्योंकि जिनको नहीं मिलती वो तो लिख देते हैं, जिनको मिली है वो नहीं लिखते हैं। तो जिनको मिली है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिले बताएं कि हाँ सर ने हमको रिप्लाई किया इंस्टाग्राम पे। तो दोस्तों इतना पॉसिबल नहीं है, और जिन्होंने ईमेल भेजी है सभी को, मेल वालों को सभी को मैं रिप्लाई किया हूँ, एक भी नहीं होगा। लेकिन अब एक मैं रिप्लाई करता हूँ फिर आप 4 भेज देते हो तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार ही आपको मौका दूंगा मैं। आप क्वेश्चन लिख दीजिए इंस्टाग्राम पे अपना जो मेन है, और उसके अलावा ना हाय हेलो गुड इवनिंग कुछ नहीं, तो उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और एक ही बार फिर आप दोबारा मेरे को मैसेज ना करें एक बार, और सबसे छोटा ही मैसेज करें, ज़्यादा बड़ा मैसेज होगा मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं अगर आप चाहोगे तो मैं बंद ही कर दूंगा इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करना, मैं बोल ही दूंगा ठीक है इंस्टाग्राम फॉलो मत करो, उससे मेरे को कोई पैसे थोड़ा ना मिल रहे हैं या कुछ मतलब मिल रहा है मेरे को, बस चाहता हूँ आपकी रिप्लाई, आपकी कोई परेशानी तो। लेकिन आप ऊपर से ये और बोलते हो कि रिप्लाई नहीं करते, तो फिर मैं रिप्लाई करता हूँ, आप जो जिनका किया है वो ज़रूर बोलना, नहीं तो मैं दिखा दूंगा उसमें लिस्ट में है। तो अब जो 23 तारीख जिनकी ज्वाइनिंग डेट है वो 23 तारीख से पहले ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कभी भी कर लो, आपके जिस दिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो आप कर लो, इससे सीनियरिटी मिलती है, ये बात सही है, ठीक है। अब इसके बारे में मेरे खूब मैसेज नहीं करना। दूसरा कि ज्वाइनिंग को डोएट करा सकते हैं या आगे शादी है, तो शादी अगर आपकी आगे हैं तो आप पोस्टपोन करा लीजिए शादी को, और अगर फिर भी आपको शादी करनी है तो अगर जो जिस महीने में ज्वाइनिंग करें आपकी ट्रेनिंग पता नहीं किस दिन से शुरू हो जाएगी, फिर आप ट्रेनिंग में लेट हो जाओगे, तो जब तक आप ग्रुप सेंटर में हो तब तक आपको छुट्टी मिल सकती है आपकी शादी के लिए, 3 से 4 दिन 5 दिन की, ट्रेनिंग सेंटर से नहीं मिलेगी। तो आप जिस दिन ज्वाइनिंग है आपकी उसके अगले 20 दिन बाद में आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा, अगर उन 20 दिन में आपकी शादी है तो आप कर सकते हो, उसके बाद में आपको शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। अब आपकी परेशानी है आप क्या करो, अब इसके रिगार्डिंग मेरे को मैसेज। अब आप किसी को ज्वाइनिंग पोस्टपोन करानी तो उसका भी ये तरीका कि आप पहले जाके ग्रुप सेंटर में ये बोल सकते हो कि मेरे को एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि मेरे को इस कारणवश मैं अपनी ज्वाइनिंग को इतने दिन डिले कराना चाहता हूँ और इतने दिन बाद में ज्वाइन करना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर एक्सेप्ट की जाती है तो उसके बाद में आप ज्वाइनिंग लेट कर सकते हो, वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी परेशानी अगर होगी वास्तविक आपके पास में कोई रीज़न होगा तो आपकी वो परेशानी भी सुनी जाएगी। अब एक चीज़ और आती है सबसे ज़्यादा, जो कि जो बाकी जो डिपार्टमेंट है, चाहे BSF, CISF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF, NI, कि सर इनके ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे, इनके ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे, या एक और जिनके CRPF में जो बच्चों के ज्वाइनिंग आ गए हैं अब उसी स्टेट से और भी बिलोंग कर रहे हैं, उनके ज्वाइनिंग नहीं आ रहे, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपको थोड़ा सा धीरज रखिए, धीरे धीरे रहे मनार धीरे सब कुछ हो, मालिक सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल हो, तो रुकिए, कुछ ग्रुप सेंटरों के अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए हैं, CRPF के सभी ग्रुप सेंटरों के अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुए हैं, तो शायद आपका उन ग्रुप सेंटरों से आएगा तो लेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बोला था कि अब ज्वाइनिंग आपका कराने का काम डिपार्टमेंट के साथ साथ में ग्रुप सेंटर का हो गया, कि कौन सा ग्रुप सेंटर आपकी ज्वाइनिंग कब कराता है ये डिपेंड ऑन ग्रुप सेंटर हो गया। अब ग्रुप सेंटर के पास में आप काम ज़्यादा होगा या उनकी व्यवस्था अभी तक सही से हुई नहीं है, तो इसलिए आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी सी डिले हो सकती है, तो आप इस बात को समझिए। ज्वाइनिंग अब ईमेल भी आने लग गया है ज्वाइनिंग के लिए, और अगर मेल भी नहीं आता तो पोस्ट ऑफिस से ज़रूर आएगा आपको, क्योंकि वो एक ज्वाइनिंग लेटर है, कोई भी नहीं रोकेगा उसको, कहीं पे भी नहीं रोकेगा,
ठीक है, उसके लिए FIR हो सकती है, वो भी बंदा सस्पेंड हो सकता है जो उसको रोक ले, ठीक है, वो एक गवर्नमेंट डाक है तो उसको कोई नहीं रोकेगा, उसके लिए आप चिंतित ना हो। दो दिन तीन दिन लेट हो जाएगा, मैं हर बार बोलता हूँ आप 2 से 4 दिन वेट करके तो देखिए, 2 4 दिन में आ जाता है जो इन लेट, तो 2 से 4 दिन 5 दिन भी लेट हो सकता है। अब बात तो इनके लिए मैं बोल दिया हूँ, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लिए, बाद में अगर बात करें हम कि बाकी सब डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग कब होगी, तो दोस्तों जैसे BSF का मैंने कल भी बोला कि सुनने में आ रहा है BSF की ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं और ITBP के भी ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए, तो BSF और ITBP के शुरू हो जाएंगे, CISF के भी ज्वाइनिंग लेटर आपको जल्दी मिलेंगे, क्योंकि CISF का एक नोटिस आया था आप सभी को पता है। उस नोटिस में CISF ने सबको चेतावनी दी थी कि अभी तक हमने किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी है, इसीलिए अगर आपको इस प्रकार का कोई भी ज्वाइनिंग लेटर या कुछ भी प्राप्त हो तो वो फेक होगा, क्योंकि हमने अभी तक ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं किए, तो यानी उन्होंने अभी तक नहीं किए लेकिन उन्होंने नोटिस दिया, उस हिसाब से उनकी तैयारी जरूर जारी है ज्वाइनिंग कराने की। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ग्रुप सेंटर हो चाहे ट्रेनिंग सेंटर हो, सब खाली है, सब में फुल ऑफ वैकेंसी चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट के पास में इतनी सबमिट पोस्टें हैं कि आप सभी की एक साथ ज्वाइनिंग करा सके, ये नहीं कि सेकंड लिस्ट आएगी ज्वाइनिंग की या थर्ड लिस्ट आएगी ज्वाइनिंग की, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, थर्ड लिस्ट भी ज्वाइनिंग की नहीं आएगी और ना ही सेकेंड लिस्ट आएगी, एक ही बार में ज्वाइनिंग कराएगी। अगर किसी कारणवश किसी कोई कोई रुक जाती है विशेष रूप से तो वो बात अलग है, बाकी एक ही लिस्ट आएगी और आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी दोस्तों, तो आप सभी इसके लिए चिंतित ना हो। अब बात आती है कि जो डिपार्टमेंट जैसे अदर जैसे BSF ITBP SSF NIA बार बार बोल रहे हैं कि सर हमसे गांव वाले बोल रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं है, गांव वाले बोल रहे ज्वाइनिंग नहीं, अरे कुछ दिन तो है आपकी स्वतंत्रता की, खुशी खुशी मस्त रहिए, एंजॉय करिए, पता तो चल ही गया कि भाई ज्वाइनिंग होनी है। हाँ एक चीज़ ये डर भी हो गया है कि साथ में कैंसिल ऑर्डर ओढ़ना चाहिए ज्वाइनिंग, क्योंकि कईयों के सर नेम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, खुद के नेम में प्रॉब्लम है, मदर नेम में प्रॉब्लम है, बहुत सारी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उनको लग रहा है कि मेरा भी कैंसिल ऑर्डर, अब जिनका नहीं आया वो मेरे से पहले ही पूछ रहे हैं कि सर हमारा नहीं आ जाएगा ना, हमारा नहीं आ जाएगा ना, हमारा नहीं आ जाएगा। अरे आप ऐसी सोच के रुकते हो, मैं उनको बोलता हूँ होप सो नहीं आए, तो जब आए वो पूछे वो तो बात अलग है, जिनका नहीं आया वो भी मैसेज करते रहते हैं कि सर हमारा नहीं आ जाए, अरे नहीं आएगा सरनेम में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई उनकी, जिनका आया सरनेम की वजह से, तो उनका होगा इस प्रकार से कि उनका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र और उनकी 10th क्लास मार्कशीट तीनों में अलग अलग होगा, इस वजह से उनका आया होगा, और उनके लिए भी उनको टाइम दिया गया कि इतने टाइम में आप इनको कंप्लीट करा के सही करा के दीजिए, तो इसमें आपको परेशान होने वाली बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप लगे पड़े उसमें, लेकिन जब आपका आ जाएगा तो आपकी मदद भी की जाएगी, लेकिन पहले से एडवांस से आप ऐसा देख रहे हो कि हमारा नहीं आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके लिए आप चिंतित ना हो, आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपको कोई हटाने वाला नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग होगी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। और मेडिकल के बारे में मैं हर बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मेडिकल के लिए अगर आपको कोई बीमारी है तो आप बिल्कुल उसका इलाज कराइए, लेकिन आप मेडिकल के लिए चिंतित ना हो, जो फिट है वो फिट ही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी फैल रही है, आपको कोई बीमारी हो गई है, तो उसके लिए आप ज़रूर इलाज करवा लें। जय हिंद।